भी नॉक निकाला नहीं जाएगा, टीम गॉड लाइक स्टिल सर्वाइविंग। बट निंजा के काफी करीब एक ग्रेनेड आएगा, इनफैक्ट उनको डैमेज बहुत सारे नेट्स का पड़ चुका है, उनकी बगी जो थी वो भी ब्लास्टेड हो चुकी है। अगला ग्रेनेड निंजा के लिए काफी खराब हो सकता है, नेट बिल्कुल उनके सामने, एचपी बहुत ज्यादा कम, ही सर्वाइविंग आउट देयर। अपने बिल्कुल सामने स्मोक्स करेंगे, लेकिन सामने रेकनिंग जो प्लेयर्स हैं उनसे कैसे बच पाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। उनके पास दो फर्स्ट एड्स है, बट अगला ग्रेनेड अपरार का आएगा, इनफैक्ट कहर बन के टूट रहा है नेड परेड, इट्स एन आर्टिलरी स्ट्राइक, अ मैन मेड रेड जोन। टीएसएम के प्लेयर्स एक एक करके पिक हो रहे हैं और बाकी प्लेयर्स को भी आपस जरूर किया जा चुका है, उनकी हरकत जो है, उनकी मूवमेंट जो है वो यहां पर वाकिफ हो चुकी थी रेकनिंग के प्लेयर्स को। दे वर मूव इन सर्कल से उनका एक अलग रिश्ता चल रहा है, वो जोन के अंदर जाने के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं एंड इन लड़ाइयों में जीत भी रहे हैं। वहीं पर ओआर के प्लेयर्स की बात करें, स्काईलाइट्स के प्लेयर्स का सफाया करते हुए एक एक करके। एग्जैक्टली, टीम ऑरेंज रॉक की अगर हम बात करें, उनके पास एरिया काफी अच्छा जरूर से मौजूद है, ग्रेनेड का हमें यहां पर आदान प्रदान जरूर से देखने को मिल सकता है, बट अगेन वो ठिकाने पे अगर एक ग्रेनेड आएगा तो टीम स्काईलाइट गेमिंग के दो खिलाड़ी इंस्टेंटली हमें नॉकआउट होते नजर आते हैं। फिलहाल पीछे से आएंगे एंड वैसी उनको पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। ये ग्रेनेड जाएगा, क्या ये कनेक्शन बना पाएगा वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। चलिए बनाए जरूर से पुकार, थोड़ा लो ऑन एचपी हमें देखने को मिलते हुए ये ग्रेनेड की जो वर्षा है जारी रखनी चाहिए, लेकिन सामने से भी एक ग्रेनेड आएगा, तभी के लिए उसको डॉच करने में जरूर से कामयाब होंगे। हर तरफ फाइट चल रही है, मीनवाइल जोन जो है वो कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। एक हार्ड जो नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता है, यानी अब टीम ऑरेंज वॉक वर्सेस टीम स्काईलाइट गेमिंग, ये फाइट अपने अंजाम तक पहुंचेगी काफी जल्दी। वेल, अगले 28 जो 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 24 28 मीटर का और 24 मीटर का जो फासला है दोनों टीमों के लिए, उनको वो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। जोनाथन की बात करें, वो तो सुपारी गैंग के प्लेयर्स को पिक करने की यहां पर शुरुआत कर चुके हैं एक एक करके। आप देखिए कितनी सारी फाइट हर जगह पना पड़ रही है, वहीं पर जी गॉड को डाउन जरूर किया जाएगा, गॉड लाइक के प्लेयर्स के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बन चुके हैं। ओआर के जेली को भी साइड लाइन से नॉक किया जाएगा, नियो उनको यहां पर डी सिंह को देखना पड़ेगा और इंस्टेंटली पिक भी करना पड़ेगा। गॉड लाइक के दो प्लेयर्स डाउन है, नियो और जोनाथन दोनों बचे हुए हैं, बट यही दोनों यहां पर फाइट निकालने के लिए पूरा पूरा तत्पर। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, डी सिंह क्या वो इनको देख चुके हैं? यस ही डज, यस ही डज, यस ही डज। जोनाथन इस समय अकेला बचा हुआ प्लेयर, बट उनपे भी एक शॉट आया था, क्लच गॉड को अब रिवाइव करने की कोशिश रहेगी। जोनाथन के पास पूरा भार यहां पर आ चुका है इस पूरी फाइट का। चिकन रशेस की बात करें, वो गॉड लाइक का पूरा रन यहीं पर रोक सकते हैं। वेल, मैक्सी हल्का सा आगे गए थे, अबरार को उन्होंने खोया, पर क्या गॉड लाइक को पता है उनके पीछे रेकनिंग का एक प्लेयर, उनके आगे चिकन रशेस का एक पूरा स्क्वाड है। चिकन रशेस अभी के लिए प्रबल दावेदार जरूर से नजर आ रहे हैं इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर निकालने के लिए, क्योंकि अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिली। जोनाथन काफी ज्यादा ओपन में वहां पे थे, मैक्सी ने उनको स्पॉट किया, डाउन किया, एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन 8वें पायदान पे हमें देखने को मिल जाएगा। टीम रेकनिंग के अब इकलौते प्लेयर यहां पर सर्वाइव करेंगे, चिकन रशर्स के चारों खिलाड़ी उस एक कंपाउंड के इर्द गिर्द हमें देखने को मिल जाएंगे। और वहीं ऑर्गेनाइज 5 की बात करें, बिल्कुल पड़ोसी उनके हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये फाइट जितनी देर तक वो अवॉइड करें वो बेहतर जरूर से रहने वाले। बाकी की टीम्स यहां पर एक एक करके सर्कल के अंदर आने की कोशिश करने वाली है। टीम एक्स लायंस को आप देखिए, उनकी भी एक ईजी एंट्री हमें देखने को मिलेगी, बट स्काईलाइट गेमिंग, वेल दे मैनेज टू बी इनसाइड द सर्कल, एक अच्छे एरिया में उनके पास भी देखने को मिलेगा। और अब ये जो शिफ्ट आने वाला है ये कहीं ना कहीं डिसाइडिंग शिफ्ट जरूर से रह सकता है स्काईलाइट गेमिंग के ऊपर। ये ग्रेनेड अभी के लिए आएगा, सौम्यराज काफी करीब उस ग्रेनेड से, लेकिन कुछ खास ज्यादा डैमेज करेगा नहीं। एक्सएल की बात करें, आप देखिए एक्स लाइंस एक बार फिर कोई प्लेयर यहां पर सर्कल के अंदर है भी नहीं। माधव को आप देख सकते हैं उनके बिल्कुल सामने, उनको लग रहा है कि शायद प्लेयर्स है, उस घर के अंदर प्लेयर्स होने भी चाहिए, और उसी चीज का रीड यहां पर ये लेते नजर आ रहे हैं। समुराय उनकी हम बात करें, उनके पास M4 अभी के लिए Level 3 हेलमेट, थोड़ा सा डैमेज Level 3 वेस्ट, प्रॉपरली इंटैक्ट, बट हीलिंग के नाम पर कुछ नहीं है। वहीं पर माधव, उनके पास बूस्टर्स के नाम पर कुछ नहीं है। Zexo एक प्लेयर को पिक करेंगे, पुकार को यहां पर पिक करते नजर आएंगे, स्काईलाइट्स को एक और बड़ा झटका, चिकन रशर्स अकेली ऐसी टीम जिसके पास चारों प्लेयर जीवित है। एग्जैक्टली, और पर अब आप उनकी पोजीशनिंग देखिए कि अभी तक तो वो जोन के अंदर थे, लेकिन अब उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। मीनवाइल स्काईलाइट गेमिंग की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन भी यहां पर रिवील आउट हो चुकी है। ऑर्गलेस 5 अभी के लिए चार खिलाड़ी यहां पर सर्वाइव करेंगे। समुराई की तरफ से ये ग्रेनेड जाएगा, क्या कनेक्शन बना पाएगा? जी हाँ, कनेक्शन वहां पर बना है, बट अगेन वो जो नॉक है वो अभी तक नहीं आएगा। टीम स्काईलाइट गेमिंग को भी अब यहां से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जोन के अंदर। कमला बॉय बिल्कुल ओपन मारे, क्या यहां पर गाड़ी चढ़ाएंगे? जी नहीं, उससे पहले समुराई उनको डाउन करेंगे, पीछे से आएगा कवर फायर एंड माधव जो कि लास्ट मैन सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे? वो एक देखने वाली बात, बट मीनवाइल टीम स्काईलाइट गेमिंग एलिमिनेशन में देखने को मिल जाएगा। टीएसएम जो कि जोन के अंदर है, बट एक ग्रेनेड यहां पर टीएसएम को भी एलिमिनेट करता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, यहां पर टीएसएम जो है वो अभी के लिए स्काईलाइट गेमिंग को हमें एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ऑर्गलेस 5 जोन का डैमेज जाना पड़ेगा जोन के अंदर, लेकिन चिकन रश वर्सेस ऑर्गलेस 5 ये फाइट हमें जरूर से देखने को मिल सकती है। और अभी के लिए टीम ऑर्गलेस 5 उनको पता है कि जोन के अंदर अगर जाना है तो जल्दी से फाइट निपटानी पड़ेगी, पर मात्र दो प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। वही चिकन रशर्स की बात करें, चारों के चारों खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए एक प्लेयर को आप स्पॉट करके डाउन भी किया गया है।
प्लेस फाइव कैन दे पुल इट ऑफ, वो एक देखने वाली बात। बिल्कुल सामने यहाँ पर फाइट हो रही है, इनफैक्ट प्लेस को डाउन भी किया, जहां पर ये रुके काफी गलत जगह यहाँ पर रहेगी एंड ड्रॉप शॉट करने की कोशिश, बट वेल कायलो इट डिड नॉट वर्क आउट। इनफैक्ट ऑक्लिस फाइव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, चिकन रशर्स दे आर रशिंग फॉर इट, दे वांट इट, प्लेयर्स जोन के बाहर थे यहाँ पर, जाट बॉय को लगा कोई उनका ओपोनेंट है, बट वेल उनके ही टीममेट थे आखो नॉक्सो प्लेस, दो प्लेयर्स बचे टीएसएम के, एक्स लायंस उनके एक प्लेयर बचे और चिकन रशर्स उनके तीन प्लेयर्स, बट माधव 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 एक अच्छा ग्रेनेड है यहाँ पर, बूम इट गोस, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, पीछे के प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है, प्रॉपर है उनके ऊपर डैमेज डालने की कोशिश, बट माधव को स्पॉट किया जाएगा, गलती और उसके लिए ही विल पे इट बैडली। I guess वो यहाँ पे इजिली दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर सकते थे, दो अंक उनको फिनिशेस के मिलते, साथ ही साथ जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी उनको ज्यादा मिलता, इजी पिक था। इतने बड़े कॉम्पिटिशन में, इतने बड़े लेवल पे आके आप ऐसी मिस्टेक्स अगर करेंगे तो खामियाजा खैर आपको भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए चिकन रशर्स की बात करें, उनको एग्जैक्ट पोजिशन मालूम है, TSM की इट्स गोना बी अ 2v3, 27 सेकंड्स का टाइम रहता है। अगर हम बात करें चिकन रशर्स की, वो जो एक एयर ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे आकर के जरूर से एक खिलाड़ी बैठे हुए नोटोरियस, वही TSM के एक्वानॉक्स की बात करें, उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है, आप देखिए हर तरफ स्मोक का जो कवर है वो हमें देखने को मिलता हुआ, और ये ग्रेनेड जो जा रहा है, ओके इट्स अ मोलोटोव, लेट्स सी वो कनेक्शन बना पाएगा नहीं। इक्विनॉक्स की पोजीशनिंग काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है बिकॉज वो ऊपर की तरफ बैठे हैं, और अब वो जो स्मोक का कवर है वो भी जाने वाला है, इक्विनॉक्स इजिली वापस स्पॉट कर सकते हैं। क्या चिकन रशर्स को पता है कि एक खिलाड़ी यहां पर ऊपर बैठे हुए हैं? जी हां, शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं है, वो ओपन में जा रहे हैं, इक्विनॉक्स ही माइट टेक देम डाउन, बट प्लेयर गोस डाउन विद द ग्रेनेड, इक्विनॉक्स इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, चिकन रशर्स दे डोंट नो दैट पोजीशन और वापस करके डाउन करने की कोशिश की, बट अब कुछ कार्ड बचेगा नहीं इनके पास, TSM might just go down and yes they will, chicken rushers will get that winner, winner chicken dinner and TSM well they will be on the second position in this match. What a brilliant game by chicken rushers, काफी बेहतरीन तरीके से खेला है, man advantage था already, उसी को acquire किया, उसी को capitalize किया and उसके साथ अपने आप को ऊपर रखा overall पूरी fight के अंदर। well TSM उनके पास